सो हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2020 पर बीसीसीआई की तरफ से रेगुलर जानकारियां दी जा रही है, जहाँ पर अभी सभी के सभी आईपीएल 2020 पर बहुत ही ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं और सभी को यही लग रहा है कि नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्द आईपीएल 2020 जरूर होने वाला है और इतिहास में जरूर एक बार लिखा जाएगा कि आईपीएल 2020 हुआ था। और इन सब के बीच बीसीसीआई की तरफ से भी अच्छी खबरें आती जा रही है, रुक रुक कर हम लोग कह सकते हैं कि हर दो दिन में कुछ ना कुछ जानकारी निकल के आती है, जो ऑब्वियसली बीसीसीआई और आईपीएल 2020 के लिए अच्छी खबर होती है। आज भी मैं आपको दो से तीन ऐसी खबरें बताने वाला हूँ जो आईपीएल 2020 पर बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आईपीएल 2020 में डालने वाली है। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो इस बात को बताने से पहले हम लोग को जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2020 पर बीसीसीआई ऑफिशियल और कुछ टीम्स ने यही कहा है कि बीसीसीआई की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आईपीएल 2020 जो है वो 25 सितंबर या फिर उसके आसपास शुरू होने वाला है, वही जो आईपीएल 2020 है वो 1 नवंबर या फिर उसके आसपास ख़त्म होने वाला है। जब इसके अलावा भी बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल 2020 पर बहुत सारी जानकारी दी गई है, एक पूरा हम लोग कह सकते प्लान है जो बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल 2020 पर बताया गया है। और इन सब के बीच जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है करण रिजिजू, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया है। उनका यही कहना है कि आईपीएल 2020 जो है वो इस साल के एंड में पॉसिबल है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल 2020 खेलने के लिए इंडिया में आएंगे तो उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, सभी को क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, सभी की टेस्टिंग होगी, जो भी मांग बीसीसीआई की होगी वो सब पूरा किया जाएगा, लेकिन वो सब हम लोग ईयर के एंड में देने वाले हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये कन्फर्म कर दिया कि हम लोग 15 अगस्त या फिर उसके आसपास इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू करने वाले हैं। तो जो फॉरेन प्लेयर्स का इंडिया में आने का सिलसिला होगा उस पर भी कोई रोक झोंक नहीं है, फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आ पाएंगे, क्वारंटाइन में भी रह पाएंगे, जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ होगी उन सबको पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा आईसीसी ने भी कुछ ऐसा किया है जो आईपीएल 2020 को पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है। दरअसल कल यानी कि 25 मई को एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था। अभी ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो मीटिंग है ये पाकिस्तान के चेयरमैन की तरफ से बुलाई गई थी, इसके वजह से इंडिया का कोई भी वहाँ पर नहीं गया था। लेकिन वहाँ पर जो मेन मुद्दा था वो था आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 के रीशेड्यूलिंग के ऊपर, जो 100% कंफर्म करता है कि इस साल का वर्ल्ड कप कैंसिल हो चुका है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस मीटिंग में दरअसल जो बात हुई थी वो यही थी कि 2020 का जो वर्ल्ड कप है उसको कब करवाया जाएगा। दो ऑप्शन सभी की तरफ से रखे गए थे, एक ये था कि 2021 में जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया को सौंप दें, या फिर 2021 में ही फरवरी से मार्च के बीच हम लोग वर्ल्ड कप 2020 को करवा लें। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस मीटिंग में जो आप कह सकते कंक्लूजन निकल के आया था वो यही था कि जो वर्ल्ड कप 2020 है उसको डायरेक्टली वर्ल्ड कप 2022 के लिए शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बीसीसीआई को आईपीएल 2020 के लिए पूरी तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है और अब बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि हम लोग को आईपीएल 2020 जो है वो 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी बहुत ही अच्छी खबरें जो आईपीएल 2020 के लिए अभी निकल के आई है। इस वीडियो के लिए अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।